दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे शिवलिंग के बारे में जिसे पाकिस्तान ने कैद कर रखा है। जी हाँ दोस्तों, आप इसे सुनकर थोड़े हैरान हो रहे होंगे, लेकिन यह एक सत्य घटना है। आइए जानते हैं कि आखिर क्यों पाकिस्तान ने कर रखा है इस खास शिवलिंग को कैद और क्या है इसकी वजह। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले महादेव के सच्चे भक्त कमेंट में हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अमरनाथ और केदारनाथ के बारे में आपने बहुत सुना और पढ़ा होगा, आप में से बहुत सारे लोग यहाँ गए भी होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के सियालकोट में एक ऐसा ऐतिहासिक हिंदू मंदिर है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब पार्वती ने अपने आप को हवन की अग्नि में भस्म कर लिया था तो भगवान शंकर का क्रोध चरण सीमा पर था, लेकिन क्रोध के साथ साथ उन्हें अपनी अर्धांगिनी को खोने का दर्द भी था। जब भगवान शंकर उन्हें लेकर ब्रह्मांड में विचरण कर रहे थे तो उनके नेत्रों से आंसुओं की वर्षा हो रही थी, जिसकी दो बूंदें पाकिस्तान में जा गिरी, जहां आज के समय में एक खास मंदिर स्थापित है। दोस्तों, पाकिस्तान का कटास राज हिंदुओं का पवित्र स्थान माना जाता है। कहते हैं कि सती के वियोग में भगवान शिव के दो आंसू की बूंदें यहीं गिरी थी, एक कटास राज में और दूसरा राजस्थान के पुष्कर में। ऐसी मान्यता है कि इस तीर्थ के कुंड में स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। केवल हिंदू ही नहीं बल्कि विभिन्न धर्मों के अनुयायी यहाँ स्नान करने के लिए आते हैं और प्रार्थना भी करते हैं। वहीं कटास राज का महाभारत युग से भी गहरा नाता जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि पांडवों ने वनवास काल के 4 साल का समय यहीं बिताया था और यहाँ की अद्भुत झील में असीम शक्ति है। युधिष्ठिर ने यहीं पर यक्ष को हराकर अपने भाइयों को जीवित किया था। पौराणिक काल में कटास राज का ये सरोवर कभी विष कुंड, कभी अमर कुंड तो कभी अमृत कुंड कहलाया था। पंजाब के चकवाल जिले में ये तीर्थ पूर्व में चौसेदन नाम से पश्चिम में करियाल कस्बों के बीच स्थित है। महाभारत काल में अवश्य ये वीरान पहाड़ी का क्षेत्र रहा होगा। ऐसा भी कहा जाता है कि इस स्थान पर यक्ष किन्नरों का निवास रहता था। पाकिस्तान का यह क्षेत्र नमक और कोयले की सदियों तक न खत्म होने वाली खानों से घिरा हुआ था। कटास राज लाहौर से 280 किलोमीटर दूर है और कटास राज पर इस्लामी, बौद्ध और हिंदू संस्कृति का प्रभाव भी है। वहां स्थित हरि सिंह, नवला का किला और राम दरबार आदि संस्कृतियों का सुमेल है। खंडहर स्वरूप ही सही शिवलिंग का वहाँ होना शैव मत के प्रभाव को दर्शाता है। कहते हैं यहाँ पर भगवान शिव को आज भी कैद करके रखा हुआ है। खैर, इसकी वजह कोई नहीं जानता। दरअसल दोस्तों, कहा जाता है कि जिस दिन भगवान शिव यहाँ से आज़ाद होंगे वो साफ तौर पर मक्का मदीना से भी आज़ाद हो जाएंगे, और जब वो मक्का मदीना से और यहाँ से आज़ाद हो जाएंगे तब उनके बाद वो सभी पापियों का कल्कि अवतार के साथ मिलकर संहार करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।